हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं IBNR। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इग्नू से मास्टर्स कर रहे हैं इकोनॉमिक में, तो आपको मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले IBNR की फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्या है? इंक्रूड बट नॉट रिपोर्टेड। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ रिजर्व अकाउंट यूज्ड इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एज द प्रोविजन फॉर क्लेम एंड और इवेंट दैट हैव ट्रांसपायर्ड बट हैव नॉट येट बीन रिपोर्टेड टू एन इंश्योरेंस कंपनी। तो ये IBNR क्या है? एक टाइप है किसका? रिजर्व अकाउंट का। जो कौन यूज़ करता है अधिकतर? इंडस्ट्री। कौन सी? इंश्योरेंस इंडस्ट्री यूज़ करती है। किस लिए यूज़ करती है? उन इवेंट्स के लिए, उन क्लेम्स के लिए जो अभी क्या हुए, रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन उनके लिए पहले से ही रिजर्व रखा जाता है। ठीक है, इन IBNR सिचुएशन एंड एक्चुअरी विल एस्टिमेट पोटेंशियल डैमेजेस एंड द इंश्योरेंस कंपनी में डिसाइड टू सेट अप रिजर्व टू एलोकेट फंड फॉर द एक्सपेक्टेड लॉसेज टू एन एक्चुअरी। दिस टाइप ऑफ इवेंट एंड लॉसेज आर सेड टू हैव बीन इंक्लूड बट नॉट रिपोर्टेड। अब IBNR सिचुएशंस के लिए क्या होता है? एक्चुअरी जो होता है, एक्चुअरी क्या है अभी वो मैं आगे आपको बताऊँगी कि कौन होता है एक्चुअरी। वो एस्टिमेट करता है क्या? पोटेंशियल डैमेजेस। ठीक है, बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी उस हिसाब से क्या करती है, उतना रिजर्व एलोकेट करके रखती है कि भाई आने वाले फ्यूचर में इतने लॉसेस उनको हो सकते हैं कि भाई इतने क्लेम उन्हें देने पड़ेंगे। ठीक है, तो समझ आया आपको कि एक्चुअरी का क्या काम होता है? तो एक्चुअरी वही पर्सन है जो, वो प्रोफेशनल जो क्या मैनेज करता है, असेस करता है जितने भी रिस्क हैं किस में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में, इंश्योरेंस पॉलिसी में, या जो भी अदर रिस्की वेंचर्स मींस बिजनेस हैं। तो एक्चुअरी का काम होता है कि इन सबको क्या करना, मैनेज करना। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो फिर इंश्योरेंस कंपनी होती है उतना रिजर्व एलोकेट करके रखती है। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ IBNR क्लेम बीइंग फेयरली कंस्टेंट ईयर ओवर ईयर। ठीक है, तो जो प्रोपोर्शन है IBNR का वो क्लेम का, ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है, साल दर साल। ठीक है, इंश्योरर हैव स्टैटिस्टिक टू हेल्प देम सेट असाइड एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ IBNR रिजर्व टू मीट दीज क्लेम एज दे आर रिपोर्टेड। तो जो इंश्योरर होता है, ठीक है, उसके बाद एक स्टैटिस्टिक की हेल्प से कि भाई इतना लॉस उसे हो सकता है, भाई पीछे का डेटा यूज़ करके कि भाई उसके पास्ट में कितना हुआ था, तो वो उनकी हेल्प से एक अप्रोप्रिएट अमाउंट जो होनी चाहिए कि भाई क्लेम रिपोर्ट हो सकते हैं कि, ठीक है, उनके लिए रिजर्व करके रखता है। IBNR is frequently used by insurance company, particularly along the east and gulf coast of the United States, where hurricanes and other natural disasters are common. ठीक है, अधिकतर ये इंश्योरेंस कंपनी यूज़ करती है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कहाँ का, ईस्ट और गल्फ कोस्ट, कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ पे ह्यूरिकेन्स, तूफान, ये सब जो है और अदर नेचुरल डिजास्टर हैं वो आते रहते हैं। ठीक है, आफ्टर स्टॉर्म हिट्स एक्चुअली एस्टिमेट द पोटेंशियल डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द क्लेम दैट मे बी एंटिसिपेटेड। तो भाई एक स्टॉर्म आया, तूफान आया, ठीक है, तो एक्चुअरी ने एस्टिमेट करा कि भाई कितना डैमेज हुआ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसी हिसाब से उन्होंने क्लेम डिसाइड कर लिया कि भाई इतना क्लेम आ सकता है। तो उसी के लिए क्या है कि भाई, तो उसके लिए क्या रखा जाएगा? रिजर्व रखा जाएगा कि एक्चुअरी ने एस्टिमेट कर लिया क्या पोटेंशियल डैमेज। ठीक है, बेस्ड ऑन दीज एनालिसिस मनी इज देन सेट असाइड। वही बात आ गई कि भाई उसने देखा कि एक स्टॉर्म आया, ठीक है, जिससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो एक्चुअरी ने क्या काम करा कि भाई क्लेम कर लिया कि भाई इतना अनुमान लगा लिया, मैनेज करके रखा, ठीक है, कि भाई इतना क्लेम हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एक मनी को क्या रख लिया गया, रिजर्व करके रख लिया गया, किसके लिए? क्लेम्स के लिए। अगेन इन दिस एग्जांपल द एक्चुअल लॉसेस हैव बीन इंक्रूड बट हैव नॉट ऑफिशियली बीन रिपोर्टेड। ठीक है, ये तो देख लिया क्या यहाँ पे एक्चुअली ने कि भाई इतना लॉस हो सकता है, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है, अभी कोई जो जिसने इंश्योरेंस कराया था वो लोग नहीं आए क्लेम करने, लेकिन एक स्टॉर्म के हिट होने से एक्चुअली ने ये चीज़ डिसाइड कर कि इतना क्लेम आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।